नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताऊंगी कि होममेड गैस का चूर्ण कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए आप देख सकते हो। इन सब की क्वांटिटी मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। मैंने ले लिया है दालचीनी का पाउडर, ये है 150 ग्राम। काली मिर्च का पाउडर, ये भी 150 ग्राम है। आप चाहो तो साबुत काली मिर्च भी ले सकते हो। मग है, मग को पिपली भी बोला जाता है। हींग है एवरेस्ट का, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। पुदीने को अच्छे से सुखा के इसको पीस लिया है, ये 250 ग्राम है। काला नमक 1 पैकेट है। और ये है अजवाइन, ये भी 150 ग्राम है। लौंग, ये भी 150 ग्राम ही है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये खाना पचाने में, पेट में भारीपन, ये सब समस्याओं को दूर करता है। गैस, एसिडिटी जो हर घर की समस्या है, हर बंदे की समस्या है, सबको दूर करेगा। होममेड चूर्ण है, इसका कोई नुकसान नहीं होगा खा के। हाँ, मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमें क्या करना है। जैसे हींग है हमारा, ये लौंग है, और अजवाइन और पिपली, इन सबको भून लेना है आपको। भूनना एकदम से काला नहीं कर देना है आपको, धीरे धीरे भूनना है इसको। लोगों की समस्या होती है, पेट हमारा अच्छे से साफ नहीं होता, भारी भारीपन रहता है, पेट फूला हुआ रहता है, तो ये सारी समस्याएं ये होममेड चूर्ण दूर करेगा। एक बार ट्राई करके देखिएगा। और अगर आप चाहते हो इतनी क्वांटिटी नहीं बनानी है तो आप 50-50 ग्राम भी चीज़ें रख सकते हो। नमक अपने स्वाद अनुसार रखिएगा, अगर आपको कम लगे तो ज़्यादा कर लेना। आप इसमें ज़्यादा नमक अच्छा नहीं लगता है तो उस हिसाब से रखिएगा। मैंने एक पैन पे देखिए हींग को रख लिया। अब इसको भूनूंगी, कुछ सेकंड के लिए भूनूंगी, कम से कम 20-30 सेकंड के लिए। जलाना नहीं है इसको, बस इसको हल्का सा ना सोटे टाइप करना है इसको, देखिए। और कोशिश कीजिएगा कि जब आप चीज़ें भून के हटो तो आप उसको एक न्यूज़पेपर के ऊपर फैला दो, क्योंकि अगर ये चीज़ें भी गर्म होगी, अगर आप किसी बर्तन में फैलाओगे तो ये चिपक जाएंगे। न्यूज़पेपर पर इजीली ठंडी भी हो जाएंगी जल्दी से। चलाते रहना है, रुकना नहीं है। जैसे हींग भुना है हमने, वैसे ही हम अपने लौंग, अजवाइन और अपनी पिपली, जिसे मग बोलते हैं, वो भी भून लेंगे। देखिए अजवाइन रख दी है, हींग को भूनना ज़रूरी है, बाकी आप चीज़ें भूनो चाहे ना भूनो, पर अगर भूनोगे तो टेस्ट थोड़ा सा अच्छा और आ जाएगा। देखिए अजवाइन को भी सेम ऐसे ही करना है आपको, ऐसे ही लौंग को कर लेना है ऐसे ही। देखिए हींग को रख दिया है मैंने न्यूज़पेपर के ऊपर फैला के, ताकि ये जल्दी से ठंडा भी हो जाए। लौंग डाल दिए हैं इसमें, अजवाइन भी डाल दी है और मग भी डाल दी है पिपली। अब अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको जब ये ठंडा हो जाएगी तो उसको ग्राइंड कर लूँगी। देखिए जैसे ये चीज़ें ग्राइंड हो गई हैं तो मैं इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर दूँगी, पुदीना, काला नमक, दालचीनी, काली मिर्च का पाउडर, ये सब चीज़ें। अब इससे पे आप टेस्ट कर सकते हो मिलाने के बाद कि आपको नमक की क्वांटिटी कैसे रखनी है, तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। कम तो नहीं हो सकती, ज़्यादा हो सकती है। इस चूर्ण को आपको सुबह शाम खाली पेट खाना है, रात को सोने से पहले गर्म पानी मतलब गुनगुने पानी के साथ लेना है, और सुबह उठने के बाद ही तुरंत खा लेना है इसको। इजली अच्छे से काम करेगा, ये भारीपन को दूर करेगा। खट्टे डकार जिनको समस्याएं होती हैं, वो कोई चीज़ें नहीं पचती, ये सब समस्याओं को दूर करता है। स्क्रीन पे सामान की लिस्ट दे दी है, स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हो। वीडियो को पॉज कीजिए और सामान की लिस्ट को नोट कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।